खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार, मैं हूँ काजल मेहता और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। आज हम फिर से एक बार पहुंचे हैं बड़ा तालाब का जायजा लेने। जी हाँ दोस्तों, बड़ा तालाब का ये वही जगह है जहाँ की खबर हमें सिर्फ सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपरों में पढ़ने को मिलती है कि सफाई शुरू की जाएगी और यहाँ की सफाई के लिए बस पैसों के डिमांड किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, पिछले बार जब सफाई बड़े तालाब की साफ सफाई की बात कही गई थी तब 5 से 6 करोड़ की मांग नगर निगम के द्वारा की गई थी सरकार से, जो मांग नहीं मिलने पे नगर निगम का कहना था कि हमने खुद की तरफ से साफ सफाई के खुद के पैसे लगा करके। लेकिन जहां तक कि हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, कहीं भी किसी भी कोने में सफाई नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले नगर निगम के द्वारा 60 से 70 लाख रुपए की मांग की गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जलकुंभी ने किस तरीके से बड़े तालाब को पूरे तरीके से घेर के रखा है और यह आज की बात नहीं है, यह पिछले कई दिनों से है। नगर निगम की नज़र क्या इस जगह पर नहीं पड़ रही है? जी दोस्तों, जब जनता ने गुहार लगाई कि बड़े तालाब को साफ किया जाए, इसकी गंदगी से जलकुंभियों से उन्हें परेशानी हो रही है, तब भी नगर निगम के कान में रुई लगा हुआ है, उन तक ये गुहार नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है, यह बोल करके दोस्तों कि यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग बाहर से, रांची से ही नहीं अन्य जगहों से भी लोग घूमने आते और इस बड़े तालाब को देखने आते बड़े चाव से। मगर इस बड़े तालाब की खूबसूरती को जलकुंभियों ने बर्बाद कर रखी है, जिस पर किसी की नज़र नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, बड़े तालाब की मछलियों से न जाने कितने ही लोगों को रोज़गार मिलता था। इस जलकुंभी के पैर पसारने के कारण मछलियों के जान को भी खतरा हो गया, मछलियां भी मर रही है, जिस वजह से आसपास के निवासी जो यहां की मछलियों को मत्स्य पालन करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, पहला चीज़ लॉकडाउन और दूसरा अब उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं रहा। अब खबर 365 न्यूज़ पहुंची है डोरंडा में स्थित बटन तालाब में, जहां पे आप देख सकते हैं एक तरफ कमल की खूबसूरती ने तालाब को निखार दिया है, वहीं दूसरी तरफ जलकुंभी का पसराव इस कमल की खूबसूरती को भी कम करती जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जलकुंभी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जरा सी कहीं किसी भी तालाब या मिट्टी में लग जाए तो अपना फैलाव पूरा कर देती है, मगर नगर निगम की नज़र अब तक इस चीज़ से दूर है। जैसा कि आप बड़ा तालाब देख चुके हैं, रांची में जो स्थित बड़ा तालाब है जिसे विवेकानंद की प्रतिमा बनाकर काफ़ी अच्छा घूमने का पॉइंट दिया गया है, उस जगह पे पूरा फैलाव है जलकुंभी का, वहाँ की सफाई पे भले संज्ञान लिया हो या ना लिया हो अभी तक चल रहा है, मगर इस जगह को देख करके यही साबित होता है कि अब तक नगर निगम की नज़र इस जगह पे नहीं पड़ी है। खबर 365 न्यूज़ अब आपको लेकर के आई है बनस तालाब में। जी हाँ, बनस तालाब, इससे पहले हमने आपको दोस्तों रूबरू करवाया था बड़ा तालाब एवं बटन तालाब से, जैसा कि वहाँ पे हमने आपको दिखलाया था जलकुंभी ने अपना पसराव कुछ इस हद तक फैला दिया है, जिसके कारण वहाँ के आवासी ना मत्स्य पालन सही से कर पा रहे हैं, ना ही बड़े तालाब के सामने सुकून से बैठ पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने जो तालाब बनाया है बनस तालाब, इस तालाब की खूबसूरती वाकई में काबिले तारीफ है। यह किस तरीके का भेदभाव है, जिसको नगर निगम ने बनाया है उसकी खूबसूरती देखने लायक है, वहीं दूसरी ओर नॉर्मल जो रांची में तालाब है उनकी खूबसूरती की बात हम करें तो हमें खुद में शर्म आ जाएगी कि वह खूबसूरत भी है। एक समय ऐसा हुआ करता था बड़ा तालाब में कि मछलियां स्वस्थ हुआ करती थी, लोग मत्स्य पालन करने वालों का रोज़गार काफ़ी अच्छे से चल रहा था, मगर अब जब वह टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, लेकिन फिर भी वहां के हालात कुछ ऐसे हैं हमने आपको दिखाया है। बनस तालाब की बात करें तो यहां पे मछलियां भी स्वस्थ हैं, साथ ही यहां के लोग मत्स्य पालन करने वालों का की भी जीविका काफ़ी अच्छे से चल रही है। अन्य और भी तालाबों के बारे में हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, यह भेदभाव नगर निगम आखिर क्यों कर रही है। संवाददाता से बात के दौरान महापौर आशा लकड़ा ने इस बात से इनकार किया कि बटन तालाब अभी तक जलकुंभी मुक्त है। बातचीत के दौरान महापौर ने बताया कि जो भी सरकार से पैसों की मांग की गई है नगर निगम के द्वारा तालाबों से संबंधित, वो नगर निगम को मिल जाती है तो वो अपनी सफाई शुरू कर देगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। 365 के लिए आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
धन्यवाद। आपसे पूछना चाहते हैं, हमने बड़ा तालाब का दृश्य देखा, पिछले कई समय से, कितने ही समय से बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर के पैसों की मांग की गई है, मगर अब तक वहाँ पे लोगों के फीडबैक और नज़र में आ रहा है कि अब तक वहाँ पे किसी तरह की सफाई नहीं की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़? देखिए, वहाँ जो रह रहे हैं उनको सबको पता है, क्योंकि जिस तरह से पूरे तालाब में जलकुंभी भरा पड़ा था, अब हमारा जो सफाई कर्मी स्पेशल रूप से जो वहाँ बोटिंग करके और निकाल सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को हम लोग ने लगा दिया है। और अभी जो अब बड़ा तालाब का नज़ारा देखेंगे, जहाँ कहीं पानी नहीं दिखाई देता था, पानी दिखने लगा है, तो धीरे धीरे इसको हम लोग ने पूरा सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा निगम परिषद की हम लोग ने मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग के माध्यम से कई तालाबों को साफ करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग लगाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा तालाब में जितनी भी पानियाँ बहती हैं वो पूरे शहर का पानी नाला में ही चला जाता है और नाला के माध्यम से तालाब में जाता है, तो रेगुलर यानी सालों भर नाला का पानी घुसता है। अगर किसी तरह का भी कोई दिक्कत होंगे तो उस पानी को ठीक करने के लिए हम लोग ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा जलकुंभी भरा पड़ा है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं। आपने देखा रात और दिन, यानी दिन भर काम करता है लोग, और दिन भर काम करने के बाद जलकुंभी निकाल करके डंप करते हैं पुरानी रांची के पास, और वहां से उठा करके झीरी ले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे नगर निगम के द्वारा हमारे रांची में बनस तालाब है, जो तो उस तालाब की सफाई काफ़ी बेहतर तरीके से की गई है, मतलब कहा जाए तो वहाँ मत्स्य पालन करने वाले भी काफ़ी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो नगर निगम के द्वारा तालाब है इसलिए इतनी सफाई है, और बड़ा तालाब ऐसी नॉर्मल तालाब है इसलिए वहाँ पे गंदगी है? आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रांची नगर निगम में हमारा 30-35 तालाब है पूरे नगर निगम इलाका में। आप कहीं भी जाइए, सभी जगह हमारा तालाब का स्थिति ठीक रहता है। विशेषकर जब छठ पूजा होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, उस समय विशेष तैयारी करते हैं और साफ सफाई भी करते हैं। लेकिन इस समय जो जलकुंभी है, जलकुंभी तो हर रात भर में उगने वाला चीज़ है, उसका जब तक उसको हमको जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर मान लिया साफ सफाई करने के लिए हमको, हम जब पैसा हमारे पास अभी है नहीं, हमारा आय का स्रोत नहीं रहेगा, तो उसको बहुत दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हेल्प करनी होगी, और सरकार हेल्प करेगी तो सभी तालाब साफ हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बटन तालाब में अभी जलकुंभी ने पूरे तरीके से अपना पसराव नहीं किया, लेकिन शुरुआत उसकी हो चुकी है, इस पे आपकी नज़र गई है? आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके फैलने का इंतजार कर रहे हैं? अभी हम लोग बड़ा तालाब में काम कर रहे हैं, बड़ा तालाब हमारा क्लियर हो जाएगा, बाकी उसके बाद सभी तालाब को करेंगे। तब तो एक सेकंड, तब तक तो मैम वहाँ पे क्योंकि जलकुंभी का पसराव काफी तेजी से होता है, उसका रफ्तार। तालाब में जलकुंभी है नहीं, वहाँ घास उगते हैं, घास है, जलकुंभी नहीं है। खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता वहाँ गए थे, वहाँ पे उन लोगों ने देखा जलकुंभी वहाँ पे है, शुरुआत हो चुकी है उसके पसराव की, और उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है पानी में फैलने में। वही रात भर में वो जगता है, रात, हमने कहा कि जलकुंभी तो रात भर में उग जाता है, आज आप कितनों भी निकाल लीजिए तो कल सुबह में आपको मिल ही जाएगा जलकुंभी का। वहाँ की सफाई पे आप लोग देख रहे हैं मैम, इसी के लिए अगर पूरे हमको 3500 अगर तालाब का साफ सफाई करना होगा तो सरकार का सहयोग जरूर चाहिए होगा साफ सफाई के लिए, कि तालाब को साफ रखे, पानी को ठीक करेंगे, तो उसके लिए पैसा देंगे तो हम त्वरित पूरा उसको टेंडर के माध्यम से सारा काम का साफ सफाई करवा देंगे। खबर 365 न्यूज़ के लिए रांची से पूजा के साथ काजल की रिपोर्ट।